लगातार बढ़ रही गर्मी के चलते नगर के बड़े चौराहे पर सामाजिक लोगों की ओर से आरओ वाटर के ठंडे पानी का प्याऊ की शुरुआत कर दी गई है। सामाजिक लोगों की ओर से लगाए गए इस प्याऊ पर राहगीर बड़े ही मन से अपने गले की प्यास बुझा रहे हैं। शहर के बड़े चौराहे पर आरओ वाटर का ठंडा पानी प्याऊ की शुरुआत कर दी गई है और इस प्याऊ के माध्यम से राहगीरों को ठंडा पानी पिलाकर इस तपती धूप और गर्मी में राहगीरों की प्यास बुझाने का काम किया जा रहा है। नगर के बड़े चौराहे पर लगे इस प्याऊ के बारे में जानकारी देते हुए किराना व्यापारी गोपाल गुप्ता और उनके भाई ने बताया है कि प्रतिदिन करीब 50 बोतलें ठंडे आरओ पानी की राहगीर इस प्याऊ के माध्यम से पी लेते हैं। करीब प्रतिदिन 500 लोग इस प्याऊ पर पानी पीते हैं। यह प्याऊ चैत्र नवरात्र से शुरू होकर रक्षाबंधन तक लगातार जारी रहेगा। गोपाल गुप्ता, अच्छा ये सर एक प्याऊ लगवाया है आपने, तो सर प्रतिदिन सर कितनी बोतलें इसमें आरओ वाटर की चली जाती हैं? करीब 40 से 50 करीब चली जाती हैं। तो कब से शुरुआत होती है इसकी? इसकी 9 दुर्गे से शुरुआत हुई थी 6 तारीख को। और सर समापन कब होता है इसका? इसका समापन होगा करीब 5 महीने बाद, करीब रक्षाबंधन पर है। अच्छा, तो माना जाए तो प्रतिदिन कितने लोग आ जाते हैं? करीब 300-400 लोग आदि पानी पीते हैं सुबह शाम तक। रजनीश कॉन्वेंट स्कूल नियर दीवानी रोड भोजपुरा मैनपुरी। विद्यालय की विशेषताएं हैं अनुभवी एवं समर्पित शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षण कार्य, शांतिपूर्ण, प्रदूषण रहित, सुरक्षित एवं शिक्षा उपयोगी वातावरण, बच्चों के बैठने की समुचित व्यवस्था, बच्चों के आवागमन हेतु परिवहन सुविधा, खेलकूद एवं योग शिक्षा की व्यवस्था, कंप्यूटरीकृत अत्याधुनिक शिक्षा पद्धति, लाइब्रेरी की व्यवस्था, विकलांग, निराश्रित एवं मेधावी छात्रों को समुचित सहायता। रजनीश कॉन्वेंट स्कूल नियर दीवानी रोड भोजपुरा मैनपुरी।